हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। आप लोगों को पता है जैसे अम्मी के घर आई तो मैं अम्मी के घर ही हूँ, अपने घर नहीं गई हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं गई? और जो है वो आज है मंडे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और आज मैं क्यों नहीं गई, मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि मेरी अम्मी की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को जो है काफ़ी बुखार है और अम्मी की जो है वो खांसी का मसला फिर हो गया है। जब अम्मी का बाईपास नहीं हुआ था तब अम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हुई थी और अभी फिर अम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी है। तो अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर से, अम्मी को लेकर जाना है क्योंकि हम अम्मी का जो है वो बाईपास तवा हॉस्पिटल में ही हुआ था। तो दो दो तीन तीन महीने के बाद अम्मी को वहाँ पर लेकर जाते हैं चेकअप के लिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अब वहाँ खांसी की डॉक्टर आती है, वहीं जाएंगे, लगता है फिर से इन्फेक्शन या कुछ मसला हो गया। अम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी है, खांसी से अम्मी बैठ नहीं पा रही। तो इस वजह से मैं कल घर नहीं गई क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इस वजह से मैं घर नहीं गई, अम्मी के पास रुक गई। तो अब जो है अपॉइंटमेंट ले ली है, भाई जो है वो लेकर जाएंगे अम्मी को डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर पता चलेगा कि अम्मी का क्या, क्योंकि हम किसी और से दवाई नहीं लेते जब तक अम्मी की, और ना आपको आवाज़ भी आ रही होगी तो ये आवाज़ जो है वो 11वीं शरीफ का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से नात खुवानी जगह जगह पर हो रही है। तो यहाँ मस्जिद में जो है वो नात खुवानी हो रही, तो इस वजह से आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। तो आप लोग आवाज़ आ रही देखें, ठीक है व्यूअर्स। तो अम्मी को जो है भाई ले जाएंगे, भाई की अम्मी जो है वो भाई के साथ जाती, काफ़ी दूर है, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट अम्मी को मिल चुका है डॉक्टर का। तो खांसी की डॉक्टर वहाँ पर हर चीज़ की अलग अलग डॉक्टर आती है, तो अपॉइंटमेंट के बगैर हम नहीं जा सकते। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है, बुखार बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत ही ज़्यादा है। अम्मी से बात नहीं हो रही क्योंकि अम्मी को जो है ना ठंड का बिल्कुल मना है, अम्मी को ज़रा भी ठंड लग जाए ना तो सीना अम्मी का जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग फिर जो है अम्मी को कुछ भी नहीं करने देते काफ़ी, तो अम्मी पानी का काम नहीं करती वैसे। तो इसी वजह से वैसे मैं घर पर नहीं गई, आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी अम्मी के घर पर, तो मैं आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर के बाद। तो यहाँ मैंने अपना सामान भी जो है वो एक साथ कर लिया क्योंकि रात को मुझे जाना है घर, कल भी बच्चों की जो है वो छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से। तो चलिए व्यूअर्स, वहाँ जाके घर पर थोड़ी घर पर क्या थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं बना रही चिकन बिरयानी, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही। तो और मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग अम्मी के लिए जो है वो दुआ करिएगा। अम्मी को जो है खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, अम्मी खांसी की वजह से अम्मी जो है बात नहीं कर पा रही, सर में भी दर्द है और क्या बताऊँ, अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अपॉइंटमेंट तो अम्मी का मिलता है, अब कल जाएंगी या परसों, देखते हैं कब अम्मी को मिलता है अपॉइंटमेंट। बात तो हो रही है, पता चलेगा जब भाई आएंगे तो फिर अम्मी जाएगी। दुआ करें अम्मी की खांसी सही हो जाए, जब अम्मी की खांसी सही नहीं होती तो अम्मी जो है वो खांसी कर करके बुखार दिए, खांसी अम्मी को बाईपास से पहले हुई थी, अब उसके बाद 3 साल के बाद अब ये वाली खांसी हुई अम्मी को। तो ये खांसी जब हुई थी ना पहले, तो वह हमने जो है अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा कर्म किया, बहुत अम्मी पहले भी बीमार हो गई थी, अभी भी जो है खांसी वैसी हुई। अल्लाह पाक जो मेरी अम्मी को शफा अता करे, जल्दी ही सही हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ की दवाई अम्मी को लगती है। और बाईपास हो चुका है तो हम जो है वो किसी डॉक्टर का रिस्क नहीं लेते, वहीं लेकर जाते हैं अम्मी को, क्योंकि सब डॉक्टर को सब समझाना पड़ता है, यहाँ वहाँ से हम दवाई नहीं लेते, अम्मी को वहीं लेकर जाते हैं। वहाँ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बस मिलती हूँ मैं आप लोग से किचन में, मैं बना दूँ चिकन बिरयानी अम्मी के घर पर, तो फिर आप लोग सब थोड़ी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो फाइनली व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर जो है मैंने प्याज ले ली थी, प्याज और आलू मैंने कहा चलो अलग कर लूँ। और अम्मी जो है वो पता है आपको, कितना भी अम्मी को बिठा लो ना, अम्मी जो है वो नहीं मानती। तो अम्मी जो है ना वो आ गई थी किचन में और कह रही थी कि जो है ना मैं आनिया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो इस वजह से अम्मी जो है मुझे सारी तैयारी करके दे रही है, जैसे प्याज और आलू सब कट कट के दे देंगी। और आज मैंने जो है शॉर्टी बताया है बिरयानी का, काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने जो है बिल्कुल शॉर्टी बताया। मेरे दूसरे ब्लॉग में मैंने आपके साथ पूरी भी रेसिपी जो है शेयर की हुई, तो इस वजह से मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। यहाँ ऑयल मेरा गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें जो है प्याज ऐड कर दी थी, प्याज ब्राउन होगी तो सारे जो है मसाले ऐड कर। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ जो है वो कल नहीं बनी थी, संडे को मैंने जो है वो चिकन बिरयानी अम्मी ने नहीं बनाई क्योंकि मैंने बोला अम्मी आज जो है ज़्यादा जने नहीं थे, भाई भी नहीं आए थे, तो इस वजह से
हम थोड़े ही जने थे, तो मैंने जो है वो कल अम्मी को कहा कि आज हम बिरयानी नहीं बनाते, कुछ और बनाते हैं। तो कल अम्मी ने बनाया था चिकन हरा, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा कर दूंगी। तो यहाँ पर देख, तो भी बस कई बार आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुके हैं, और यहाँ साथ साथ बन जाएगा शीर खुरमा भी बना दूंगी मैं, क्योंकि जो है वो अच्छा लगता है बिरयानी के साथ। और यहाँ मैंने चाय भी रख दी थी, और शीर खुरमे का मैंने दूध जो है वो रख दिया था बॉयल करने के लिए, वो दूध जो है मुझसे गलती से यहाँ वहाँ ज़रा भी मैंने देखा तो निकल गया। और यहाँ जो है कांच के कप में जो है वो मैं दे दूँगी, मामू आए थे अम्मी की तबीयत पूछने के लिए तो इनको दे दूँगी मैं चाय। और यहाँ आनिया के लिए जो है मैंने प्लास्टिक का कप लिया हो, क्योंकि हानिया बहुत ज़्यादा तोड़ देती है कप, तो आप लोग बिल्कुल भी ना देखिएगा कि इन्होंने जो है वो प्लास्टिक के कप यूज़ किए हैं। तो मामू आए थे, इनकी अम्मी की तबीयत पूछने, तो मैं इनको दे देती हूँ चाय और फिर अपना काम फिर से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मामू जो है वो आए थे लेट, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो अम्मी ने कहा खाना वाना खा कर जाना, तो मामू जो है वो उनको जाना था कहीं, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, वो ऐसे ही चले गए। तो यहाँ जो है चूल्हा भी मैंने जो है वो साफ़ नहीं किया, और इसी तरह मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ अभी चावल में जो है वो बॉयल नहीं आया, जैसे ही आएगा तो व्यूअर्स यहाँ जो है फाइनली हमारी बिरयानी माशाल्लाह से रेडी हो गई, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी बिरयानी। तो मैं अम्मी जो है सर्व कर रही है, मैं लगा रही हूँ दस्तरखान, और यहाँ पर जो है हम सब खा लेंगे खाना। तो आज है मंडे का दिन, संडे को हमने नहीं बनाई, आज हमने जो है वो मंडे को बिरयानी बना ली, क्योंकि संडे को हर इतवार को जो है हमारे यहाँ बिरयानी ही बनती है, तो इस वजह से मैंने अभी बना ली थी बिरयानी। उम्मीद के साथ मिलता हूँ मैं कुछ देर के। ये क्या लगा दिया यू? लिपस्टिक लगा के दी थी डार्क कलर की। हाँ तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है हमारा खाना पीना हो चुका है फिनिश, बहुत ही ज्यादा मजा आया था, बहुत ही मजे की बनी थी ठीक है बिरयानी। तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ना। तो खाना वाना जो है वो फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा किचन क्लीन करेंगे और मम्मी से थोड़ी गपशप करेंगे और जाएंगे घर पर। कल से अर्पिया जाएगी स्कूल ना, क्या अर्पिया ने बहुत ही जो है वो लिपस्टिक का कलर डार्क लगा दिया। अभी आपको किसने लो कर दिया और ऐसे ना मुंह को इस तरह नीचे कर दे नीचे कर लो। तो अर्पिया से चल रही है मेरी मस्ती ना, क्या लिपस्टिक तो मेरे मुँह को दिखा। तो चलिए बस यहाँ पर जो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और आज हम जाएंगे घर पर अभी, और अभी बज रहे हैं रात के 10, थोड़ी देर में लाइट भी जाने वाली है। तो मिलते हैं फिर आपसे घर जाकर इंशाल्लाह। कल का व्लॉग जो है वो मेरे घर का ही होगा, कल जाएंगे बच्चे बेचारे स्कूल वगैरह, और अभी जो है मैं थोड़ी सी बिजी भी रहूँगी, क्योंकि मुझे करने हैं बच्चों के कपड़े स्टिचिंग घर में पहनने के लिए। आप लोग अल्लाह ताला नहीं है माँ, ये कायदे आजम हैं, ये सबके घर पर बहुत मुश्किल से आते हैं, पता है आपको कैसे आते हैं? बहुत मुश्किल से आते हैं। तो चलिए बस आज का व्लॉग जो है अर्पिया एंड करेगी, चलो अर्पिया हाफिज कर दो, व्लॉग का एंड कर दो, वो हम मिलेंगी घर पर जाकर। हाँ मिलेंगी घर पर जाकर। अर्पिया देखिए माशाल्लाह इसके दांत कितने प्यारे हैं, फिर दांत दिखाओ, कीड़ा तो नहीं लग गया? नहीं। दांत साफ करती हो? अब्बा के दांत पे कीड़े लग गए, काले हो गए अब्बा के दांत। बच्चे जो है ना वो हर चीज की, तो अब्बा के दांत तो बेटा अभी बहुत पुराने हो गए ना, इस वजह से ऐसे ही होंगे ना, आपके तो अभी न्यू दांत है ठीक है। तो इसके दांत अभी गिरे नहीं है ना, क्या अभी इसके दांत भी जो है वो गिरे नहीं है, तो इसके जब गिरेंगे दांत और इसके बाद अगर पता नहीं कैसे दांत आएंगे। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, दुआ करें कि मेरी बच्चियों में नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छे कलर होता है वाइट वाला। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।